हेलो दोस्तों, देहाती ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी तकरीबन सुबह के 6 बज रहे होंगे और मैं अपने खेतों में आया हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे, ये गन्ने की फसल लगी हुई है और ये तकरीबन 3 महीने की फसल है और इसके ठीक बगल में ही आज धान की बुआई होनी है। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग धान की बुआई कैसे करते हैं और धान की फसल को कैसे तैयार करते हैं। ये वो खेत है जिसमें आज चावल यानी कि धान की रोपाई होनी है। फिलहाल तो अभी इसमें नहर से नालियों की सहायता से खेत में पानी को भरा जा रहा। तो दोस्तों, जिस खेत में धान की बुआई होनी है उस खेत को तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे कि ट्रैक्टर से खेत की जुताई की जा रही है और हालांकि इसमें पानी पहले ही भर दिया गया था, अब इसमें थोड़ी देर में जुताई होने के बाद में धान की रोपाई की जाएगी। आपको अब थोड़ी देर में दिखाते हैं कि धान की बुआई कैसे करते हैं। ये है हमारी चावल यानी कि धान की नर्सरी जो अब तैयार हो चुकी है। अब इनके पौधों को उखाड़ा जा रहा है। ये पौधे 20 से 25 दिन में तैयार हो जाते हैं और इनको उखाड़ कर अब खेतों में लगाया जाएगा। अब हमारे खेत के इस वाले भाग में धान की रुपाई का काम पूरा हो चुका है और अब इस वाले भाग में धान की रुपाई का काम हो रहा है। दोस्तों ये फसल 3 महीने में पककर तैयार हो जाती है। आम के लगभग अब 7 बज चुके हैं और मेरे खेत में धान की रुपाई का काम भी पूरा हो चुका है और मैं काफ़ी थक भी गया हूं। तो अब मैं जा रहा हूं घर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।